तो कैसे उम्मीद करता हूँ फिट होगे, बेहतरीन होगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय कर रहे होगे। हम दोनों की तरह आज एक और वीडियो, और उसका टाइटल है, उसका टाइटल है यूज्ड लग्जरी कार स्टॉक एंड चीपेस्ट प्राइस इंजीनियर एट हाई स्ट्रीट कार। स्ट्रेट चलते हैं वीडियो की तरफ। उससे पहले हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, प्लीज नोटिफिकेशन बेल पे क्लिक करना मत भूलिएगा। और इस चैनल की लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगी, जाएं विजिट करें, चेक करें, सपोर्ट करें। और इनका नाम है राणा मोहम्मद अली वाली सरकारी पाल। सो गाइस लेट्स स्टार्ट। आज रिकॉर्ड आप लिख लीजिए कि प्रीमियम गाड़ी आज तक हिंदुस्तान में आपको किसी ने 100 गाड़ियां इन स्टॉक नहीं दिखाई होगी। बिल्कुल लाइव आज दिखाएंगे पूरी 100 की 100। X1 675,000 मात्र 590,000, 875,000, 690,000। प्राइस सुनते रहिए 4,90,000। अरे मत करो ऐसी बातें, 4,90,000, 7,90,000, 6,90,000, क्या हो गया है ये, 3,50,000, 5,90,000। इधर से चेक करो, इधर से चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ गाड़ियों का काफिला। अब जो लोग बाहर से वीडियो देखते हैं ना, जो ये तड़पते रहते हैं कि इंडिया में गाड़ी सस्ती है, सच है ये, सच है, माना सच है। वैसे हकीकत यह है कि 4,90,000 और 5-6 लाख के बजट में यह मर्सिडीज मिल जाती है। कितना रखे हैं 13 मॉडल का? 13 लाख रुपए जायज रखते हैं, या 12 लाख, या 11 लाख, या 10 लाख, या 9 लाख। ये पहली बार हो गया। फिर 7,90,000 में 13 मॉडल, उतरी बजा रह जाएगा। प्राइस लगा 4,45,000। 4,45 भी मुझे जायज नहीं लग रहा है। ऑल ओवर इंडिया की NOC भी 4,30। आ जाओ ले जाओ 4,25। अब बोलो आ जाओ ले जाओ 4,20। आ जाओ ले जाओ 4,15। ले जाओ 4,10 आपके लिए है। समझे सच में? चलो फिर तो भाई ठीक है, इतना नेगोशिएशन मैंने कर दिया, अब आपको डील दे दिया फाइनल। संग्राम सिंह राठौर, गुजरात, छोटा उदयपुर। राजेश सिंह, बिहार। बिहार से तो भाई ने कुछ बताइए। सबसे पहले तो इरफान भाई शुक्रिया, हम तो आपके फैन हैं, और एक आपने ट्रस्ट बिल्ड किया है, आपके हम पूरे वॉल देखते हैं फेसबुक इंस्टा सब जगह पे। आपने जो मेहनत किया है, आज हम जा रहे थे दूसरी जगह पे, अच्छा। लेकिन आपका नाम पड़ा तो तुरंत इधर, नहीं भाई यहाँ पे हमको क्वालिटी गाड़ी मिलेगा, और एक विश्वास बन गया है कि भाई इरफान आपके वीडियो बहुत देखते हैं और लाइक भी करते हैं। तो मेरी तो भगवान से यही प्रार्थना है आपकी उत्तर उत्तर प्रगति हो, और ऐसे ही फैन करोड़ों लाखों मिलियन में जाए, और हमारे जैसे कस्टमर पूरे गुजरात से अगर यहाँ पे आए वो आपके लिए आए, आपकी वॉल देखी तो हम यहाँ आए, तो हम गाड़ी लेने आए हैं। अच्छी गाड़ी, आप जैसे गुजराती में अगर किसी को बोलना हो कि आप यहाँ पे आइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, तो कैसे कहा जाएगा? हमारा गुजरात ना वाला पंखेड़ा मित्र, મારા વાલા મિત્રો, ઇરફાન ભાઈ ચેનલ ને સબસ્ક્રાઇબ કરજો, લાઈક કરજો, અને એમને બતાવેલી ગાડી આપ સૌ લેજો, એ મારી તમને પ્રાર્થના છે। હું પણ એક ગાડી લેવા જ આવ્યો છું, અને ગાડી અહીંથી લઈશ, કારણ કે એમને એક વિશ્વાસ આપ્યો છે, અને વિજયભાઈ અને એમની મિત્રતા એક સારી બ્રાન્ડ અમને આપશે એવો વિશ્વાસ છે। આપ જરૂર અહીંયા આવો, દિલ્હી આવો, અને અહીંથી ગાડી લેજો। બહુત બઢિયા ભાઈ, થેન્ક યુ સો મચ ભૈયા। અબ જરા બિહાર ચલતે હૈ, દેખો કિતના દૂર હૈ બિહાર, યે રહા ગુજરાત, યે રહા બિહાર। બિહાર સે ભી હમારે ભાઈ જાન હૈ, સેમ હૈ આપ, આપ કોઈ દેખ કે इतना ज्यादा, और मुझे भाई को भी जाने आपके ही वजह से। तो आप जरा हमारे बिहारी जो भाई हैं उनको जरा अपील कर दीजिए लाइक करने के लिए, कैसे बोला जाएगा? कैसे हम लोग तो नॉर्मली बोलते हैं वैसे, कैसे भोजपुरी में? भोजपुरी बोलते हैं, भोजपुरी नहीं बोलते, भोजपुरी अलग होती है। हाँ अलग होती है, अच्छा अच्छा, हमारा दूसरा वो है वहाँ भोजपुरी में। तो आपको सर कैसा लगा फिर आपके, इतना बताइए, अच्छा लगा? बहुत तो दोस्तों आज मैं आपके लिए बहुत बढ़िया वीडियो लेके आया हूँ। आज मैं आया हूँ बहुत ही बढ़िया जगह जो आप देख ही सकते हो, और हमारे साथ आज कौन होंगे इस वीडियो में, हमारे साथ होंगे, क्या हाल है विजय भाई, क्या इंतजाम है, ऊंचे ऊंचे मॉडल, एंट्री कर लेते हैं, फिर आइए। आज की जो वीडियो है ये बहुत ही ज्यादा स्पेशल है। आज रिकॉर्ड आप लिख लीजिए कि प्रीमियम गाड़ी आज तक हिंदुस्तान में आपको किसी ने 100 गाड़ियां इन स्टॉक नहीं दिखाई होगी। बिल्कुल लाइव आज दिखाएंगे पूरी 100 की 100। ये अपना रिकॉर्ड खुद तोड़ रहे हैं, पहले जो रिकॉर्ड कायम किया वो भी इन्होंने किया 70, 80, 90, आज सीधा 100 गाड़ियां। और पहली गाड़ी कौन सी लेके आए आपके लिए? ये जो था रहे थोड़ी पर्सनल है, तो अभी ये सेल पे नहीं है, जब ये सेल पे आ जाएगी तो बता देंगे, लेकिन अभी ये जो गाड़ी है
एंडेवर, इससे शुरुआत करते हैं और आपको बताते हैं कि क्यों है ये इतनी खास, क्योंकि लेके आ गए 2021 मॉडल, 21 मॉडल की ब्लैक एंडेवर, बार कोड तक जो है वो भी लगे हुए हैं गाड़ी के अंदर, इतनी ब्रांड न्यू है। अभी सबसे टॉप एंड वेरिएंट टाइटेनियम होगा, फिर तो टाइटेनियम है, अंदर से कंडीशन देखो मतलब बिल्कुल ही ब्रांड न्यू कंडीशन में है। क्या डिटेल है जी इसकी, वैसे 2021 जो है ये कितनी चल रही होगी अप्रोक्सीमेटली? ये अप्रोक्सीमेटली 50,000 के आसपास चली हुई है। ठीक है, ठीक है, कंडीशन देख लो, आपको अंदाजा लग जाएगा कि कितनी मेंटेन रखी हुई है गाड़ी। पीछे की तरफ सीट जो है सारी इलेक्ट्रॉनिक है, इलेक्ट्रॉनिक टेलगेट है, मतलब टॉप एंड वेरिएंट जिसे कहते हैं वो है। क्या डील दे रहे हैं, हाई स्ट्रीट कार पे बेस्ट डील। एक चीज और बताना चाहूंगा इस एंडेवर की, एवरेज भी अच्छा मिलेगा क्योंकि ये 2.0 टेस्ट हो चुकी है क्या? बिल्कुल टेस्टेड है, 2000 सीसी वाली है, ऑटोमेटिक है, 4x2 है, ओके, पैनोरामिक सनरूफ, यूपी नंबर, फैंसी नंबर के साथ है, 2021 में चार टिक्के हैं इसमें। यस, 2021 मॉडल है और जो प्राइस इसका हमने रखा है कितना रखा है? VIP नंबर वाली गाड़ी, VIP कैटेगरी की, ऊंचे मॉडल और वो भी ब्लैक, पैसे जायज, बहुत जायज पैसा मैं दे दूंगा, सिर्फ 35,40,000 कुछ हो जाएगा ऑन टेबल मान सम्मान। चलो जी बहुत बढ़िया, तो अब चलते हैं अंदर। अब ये तो रही दो गाड़ियां जिसमें हम आए हैं, लेकिन व्हाट अबाउट दिस मैसिव स्टॉक यार्ड, यार कहीं देखा है? एक बार आप आओगे ना दिल्ली में हाई स्ट्रीट कार पे तो आपको पता लगेगा। ये देखो इधर से चेक करो, इधर से ये देख रहे हो चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ गाड़ियों का काफिला। शुरुआत कर देते हैं आज हम, सबसे पहले उधर ही चलते हैं या इधर से करते हैं, मेरे को तो समझ नहीं आ रहा किधर से करें, कंफ्यूजन ही हो रही है। जहां देखो वहां गाड़ी दिखेगी। तो वर्ल्ड की सेफेस्ट कार से शुरुआत करते हैं, वॉल्वो की XC90 जो हमारे सामने है हाई स्ट्रीट कार पे, फॉर सेल है ये सारी गाड़ियां। जी हाँ दोस्तों, ये सारी गाड़ियां बिकाऊ है, चाहे आप गुजरात से वीडियो देख रहे हो, चाहे आप देख रहे हो चेन्नई से, केरला से, बैंगलोर से, तेलंगाना हो, और मेरे भाई नाम ले लूंगा फिर आपका, तो आपने हमारे स्टेट का नाम लिया, महाराष्ट्र हो, पूरे हिंदुस्तान में कहीं से भी आप आ जाओ, आपको यहाँ पे गाड़ी मिलती है बेस्ट से बेस्ट प्राइस में, विद हाई क्वालिटी कार एट हाई स्ट्रीट कार। पहली जो डील है वर्ल्ड सेफेस्ट कार की, कितनी बढ़िया रही ये बताओ। ये है वॉल्वो की XC90 जो की D5 वेरियंट है, ऑल व्हील ड्राइव के साथ, पैनोरामिक सनरूफ है, टॉप एंड वेरिएंट है, न्यू शेप है, देख के आपको समझ आ गया होगा, बिल्कुल ब्रांड न्यू जिसे कहते हैं उस कंडीशन में। 1 करोड़ प्लस है आज के टाइम में XC90 है, और 7 सीटर है, 50 लाख की है हमारे पास, हम तो यार 40 के अंदर देंगे। ये यस कितने की? ये वाली शेप कितने की? क्योंकि बिल्कुल ओरिजिनल है, 2016 का मॉडल है, ऑटोमेटिक डीजल, पैनोरामिक सनरूफ, D5, प्राइस रखा है सिर्फ 36,90,000, कहीं नहीं मिलेगी। चलिए अब बात करते हैं, हमारे पास ऑडी की बहुत सारी वैरायटी है, ऑडी, जैगुआर, बीएमडब्ल्यू, मर्सिडीज, रेंज रोवर, लैंड रोवर सब है। आज ऑडी में ही ना मेरे पास कम से कम 30 गाड़ियां हैं, 30 ऑडी हैं इनके पास, बीएमडब्ल्यू पता है कितनी है मेरे ख्याल वो भी इतनी काफी इतनी होंगी भाई। वही तो ये है ऑडी Q5 3000 सीसी वाली है, 3 लीटर पैनोरामिक सनरूफ, ऑटोमेटिक डीजल, 2013 मॉडल है। वो यार प्लेन देखो जल्दी, आगे लोग आगे लोग आगे लोग आगे, अब मैं समझ गया इन्होंने जो फ्लाइट का रूट है वो इस तरफ क्यों करवा रखा है, अपना सीधा पैराशूट लेके सीधा ही नीचे कूदो और ये लैंड बहुत अच्छी है, यहां पे आप सेफली लैंड हो जाओगे। बताइए। सो 3000 सीसी की है ऑडी Q5 ऑटोमेटिक डीजल पैनोरामिक सनरूफ, 2013 प्राइस रखा है सिर्फ 9,75,000 रुपए। और हकीकत पता है क्या, इस प्लेन की यहां से जाने की, जो पायलट है ना उसने हमारी वीडियो देख ली तो कह रहा चल एक बार स्टॉक चेक करते चलो आज क्या लगा हुआ यहाँ पे, तो स्टॉक देखते हो क्या। तो अब बात करते हैं इसकी A4 ऑडी A4 न्यू शेप ऑटोमेटिक डीजल सनरूफ के साथ, व्हाइट कलर है, 2014 मॉडल है, प्राइस इसका भी रखा है सिर्फ 10,75,000। जो लोग फाइनेंस का पूछते रहते हैं उनके लिए बता दो, फाइनेंस दिल्ली NCR के लिए अवेलेबल है, जो आउट ऑफ दिल्ली NCR है उनको पर्सनल लोन लेके कोई भी कार लेनी पड़ेगी। ठीक है, तो जैगुआर देख लेते हैं, बहुत सारी गाड़ियां थोड़ा सा क्विक करेंगे हम ताकि आपको सारी वैरायटी दिखा पाए हाई स्ट्रीट कार की, एक गाड़ी और व्हाइट कलर की 15 मॉडल के हमने प्राइस जो मांगे हैं सिर्फ 10,90,000। अगेन दिल्ली वालों के लिए ध्यान रखा गया है, 2018 का मॉडल है, पैनोरामिक सनरूफ ऑटोमेटिक डीजल में, क्या प्राइस रखे हैं 18 मॉडल का, 18 मॉडल के 22,00,000, 20,90,000। एक बार हाथ मिला सकते हैं क्या 20,00,000 में? आ जाओ कर लेंगे, आ जाओ कर लेंगे। अब कर लेगा मतलब ये नहीं होगा कि 15,00,000 में कर लेंगे, सुनो हेलो। चलो अब बात करते हैं इसकी, ऑडी Q3 अगेन 2014 मॉडल है, ऑटोमेटिक डीजल पैनोरामिक सनरूफ, 14 मॉडल का जो हमने प्राइस रखा है सिर्फ 11,45,000। जो लोग ये सवाल करते हैं कि क्या इन गाड़ियों की मतलब कोई एक्सीडेंटल हिस्ट्री है क्या जो इतनी सस्ती आ रही है, यहां पे एक्चुअली मैं आपको बताऊं मीटर बैक है क्या, सस्ती का रीजन क्या है, गाड़ियां सारी नॉन एक्सीडेंट
कॉन्टिनेंटल है, सारे के मीटर एकदम जेन्युइन है, आप कंपनी में भी चेक करा सकते हो। जस्ट ये है कि मार्जिन कम है, मार्जिन कम है, दैट्स इट। छोटे मार्जिन पे वॉल्यूम बड़ी है, इसलिए कहते हैं हाई स्पीड कार पे आ जाओ। फिर प्लेन आ गया, इन्होंने रूट चेंज कर दिया प्लेन वाले ना। चलो अब चलते हैं आगे। X1 ले लो, Q3 ले लो, लैंड रोवर ले लो या ले लो रेंज रोवर, सब मिलता है यहाँ पे अच्छे प्राइस में। विजय भाई क्या डील दे रहे हैं? मैं बताना चाहूंगा Q3 अभी जितके दिखाई ना, ये गाड़ी तीन और खड़ी है, बहुत है। अरे नई वाली GLC भी है क्या? वेरी गुड स्टॉक। चलिए बात करते हैं मॉडल पे भी ध्यान रखा गया, दिल्ली वालों की कंप्लेन आ रही थी कि यार हमारे लिए भी रखा करो, तो सबके लिए। चलिए X1 2013 का मॉडल है, हरियाणा नंबर है, ऑटोमेटिक डीजल कॉर्पोरेट लाइन वेरियंट है, ब्लैक कलर। प्राइस रखा है इसका 6,75,000। ठीक है, दोनों में फर्क? दोनों में फर्क ये मॉडल का है और ट्रांसमिशन का है। जो व्हाइट कलर की है वो 2013 मॉडल है, मैनुअल 4x4। नाम बता दीजिए एक बार। पजेरो स्पोर्ट। प्राइस जो इसका हमने रखा है मात्र 5,90,000 रुपए। ये तो थोड़ी महंगी होगी भाई। ये ऑटोमेटिक है, 2017 मॉडल है, पजेरो स्पोर्ट रेड व्हाइट कॉम्बिनेशन के साथ है, कंपनी से। ये रैप नहीं है? ये रैप नहीं है, ओरिजिनल है। और इसका जो प्राइस रखा है 15,90,000 रुपए। 15,90,000 मॉडल। ये तो आप ले जाओ, 6-7 लाख रुपए मिल जाएगी मुझे लग रहा है। मुझे अब आइडिया हो गया, 6.25 लाख में दे दूंगा। X1 12 ऑटोमेटिक 4x2 13 का प्राइस रखा है 10,45,000। 10,45 ऑटोमेटिक 4x2 ग्रे कलर 2014 मॉडल, प्राइस रखा है 12,90,000। 15 मॉडल मैनुअल ट्रांसमिशन 4x2 व्हाइट कलर, 15 मॉडल का प्राइस रखा है 15,25,000। ठीक है जी, अब बात करते हैं प्रीमियम सेगमेंट में। ML 250 ऑटोमेटिक डीजल सनरूफ ग्रे कलर 2013 मॉडल, प्राइस रखा है 14,90,000। इसको ढूंढ रहा था मैं। XY हमने बहुत बार करी है विजय भाई का, काफी अच्छी डिमांड आती है और काफी बढ़िया गाड़ी भी, और अच्छे प्राइस मिल जाती है, मतलब बहुत कम प्राइस होने वाला है। और आर्मी की ये गाड़ी है? यस। बताइए। टॉप एंड वेरिएंट है, BMW X5 ऑटोमेटिक डीजल पैनोरामिक सनरूफ, हरियाणा नंबर है, 2011 मॉडल, ऑल ओवर इंडिया की NOC है। छोटा जो इसका प्राइस रखा है सिर्फ 8,75,000 रुपए। अब बताओ 8,75,000 रुपए में X5 कहाँ मिलती है? मिलती है ना यहाँ मिलती है। अब बात करते हैं दोबारा। ML ब्लैक कलर की, ML 250 ऑटोमेटिक डीजल सनरूफ ब्लैक कलर, 2012 मॉडल, प्राइस रखा है 14,25,000। चलिए जी, बहुत बढ़िया। एक और व्हाइट कलर की ML 250। आज वैसे मैं बताना चाहूंगा कि कई सारी गाड़ियों की इतनी वैरायटी है ना कि कलर ऑप्शंस भी मिलेंगे, ईयर का भी ऑप्शंस मिलेगा। 2014 मॉडल है, ML 250 व्हाइट कलर, ऑटोमेटिक डीजल सनरूफ, प्राइस रखा है 16,75,000। ये तो हमने देख ली है, इसी एंडेवर में तुम आए थे। ब्रांड न्यू कंडीशन, ब्रांड न्यू कार, ऑल ओरिजिनल, ड्राइव भी ले ली, एवरेज भी बढ़िया, और पैसे तो आपको बताई दिए। पोर्श काय नहीं, ऑटोमेटिक डीजल पैनोरामिक सनरूफ। वो वाली कहाँ है पोर्श? कौन सी वाली? सिल्वर वाली, बिग गई, छुमंतर। यस, तभी तो एक और लाए व्हाइट कलर की। बताइए। 2013 मॉडल है और इसका जो प्राइस रखा है मात्र 20,90,000 रुपए। ठीक है, 20,90,000 सुनने में ना ऐसा लगता है कि ये मतलब कुछ भी प्राइस नहीं होता इन गाड़ियों के लिए। काइंड पोर्श लिटरली 1.5 करोड़ टच कर जाती है अगर आप शोरूम में ले जाओगे। अब आपको वो तो न्यू शेप होती है यार, न्यू शेप ओल्ड शेप छोड़ो, काइंड तो काइंड ही रहेगी। यानी टोरा तो होता ही, टोरा तो पूरा ही है। विजय भाई ने तो काइंड ले रखी है ब्लैक कलर की। ब्लैक कलर। चलिए, BMW की X1 है, न्यू शेप है, पैनोरामिक सनरूफ है, ऑटोमेटिक है, डीजल है, 2018 का मॉडल है। 18, 21 और मेरे भाई अभी पता नहीं 20 भी आ जाएंगे, हो सकता है। हाँ आएगी, चलिए देखते हैं। 18 मॉडल का प्राइस सिर्फ 30,00,000 रुपए। 30,00,000 रुपए 18 मॉडल? हाँ, ज्यादा नहीं हो गया? सब मांग रहे हैं। अरे सबको छोड़ो ना यार, आप अपना बताओ। दे देंगे 20,90,000 की। हाँ मैं वही तो हूँ, 20,90,000 रुपए में X1 ले जाओ, वो भी ऊंचा मॉडल, रेंज रोवर इवोक फास्ट टॉप के साथ, ऑटोमेटिक डीजल, 2013 मॉडल है, प्राइस रखा है 16,45,000। अभी ये X6 आ गया, BMW की X6 ब्लैक कलर, सनरूफ है, ऑटोमेटिक है, क्यों ब्लैक कलर में अलग ही दिख रही है, पूरी ओरिजिनल भी है, 2013 का मॉडल है, प्राइस रखा है 16,75,000। ये अलॉय व्हील्स कंपनी से ही है? सब कुछ कंपनी से, काफी बड़े अलॉय व्हील्स है, बिल्कुल पूरी स्टॉक है। अरे इसे भेज दो भाई, इसे भेज दो। व्हाइट कलर में आई है? अच्छा, पहले सिल्वर में थी, सिल्वर में हमारे पास दोनों शेप थी, अब दोनों व्हाइट कलर में आ गई है। ओहो वाह, बहुत अच्छा। पेट्रोल में है, 2008 का मॉडल, वैलिड है, ऑल ओवर इंडिया की NOC है, सनरूफ है, ऑटोमेटिक है, पेट्रोल का 2008 का प्राइस जो मांगा है सिर्फ 6,90,000 रुपए। ठीक है जी। ऑडी Q7 आफ्टर मार्केट अलॉयज है, अलॉयज की कीमत ही कई लाखों में है, क्योंकि बिल्कुल परफेक्ट साइज है, पैनोरामिक सनरूफ है, ऑटोमेटिक डीजल, 2011 का मॉडल है, ऑल ओवर इंडिया की
उसी है, और जो छोटा प्राइस रखा है 10,45,000। ठीक है, अब जिन भाइयों को जैसे बायर होता है, बायर को इतनी नॉलेज नहीं होती कि क्या एनओसी की बात हो रही है, क्या होती है, तो एनओसी के बारे में थोड़ी सी ब्रीफ नॉलेज देंगे। अभी देखेंगे C220D पैनोरामिक सनरूफ है, ऑटोमेटिक है, डीजल है, ब्राउन कलर की है, बहुत शानदार कंडीशन, 2015 का मॉडल है, मात्र 21,90,000 रुपए की। दाना जी, अब बात करते हैं जी इसकी व्हाइट कलर वाली, व्हाइट कलर मर्सिडीज क्लास C220 और व्हाइट कलर का 13 मॉडल का जो हमने प्राइस रखा है, जिसमें सनरूफ है और बिल्कुल ब्रांड न्यू कंडीशन है, सिर्फ 8,45,000 ले जाओ, ले जाओ। मर्सिडीज की 350 V6 इंजन, स्काई ब्लू कलर, सनरूफ ऑटोमेटिक, पेट्रोल में है, 2009 मॉडल, प्राइस रखा है 5,90,000। वेरी गुड। अरे कितनी भाई, कितनी Q5 है, अरे यार खत्म ही नहीं होती, कमी नहीं होनी चाहिए। अच्छा, बंदा जो भी आएगा ना मेरा भाई, वो लेके ही जाएगा। इतनी मेरी श्योरिटी। क्या डिटेल है? 2014 मॉडल है, ऑटोमेटिक डीजल, पैनोरामिक सनरूफ, ग्रे कलर, न्यू शेप की है, 14 मॉडल का प्राइस रखा है 11,75,000। Q7 देख लेते हैं, अगेन Q7 पैनोरामिक सनरूफ, ऑटोमेटिक डीजल, 2013 का मॉडल है, ये दे दो 11,00,000 में, 12 ले लो, 12,90,000, और क्या होगा, 12,90,000 में ले ले जाओ। ये है 18 मॉडल की, ये तो मेरे सामने आई है अभी, GLE 250D डीजल, UK रजिस्ट्रेशन, 15 साल लाइफ, बहुत शानदार है, आउटस्टैंडिंग है, बिल्कुल पैनोरामिक सनरूफ, ऑटोमेटिक डीजल, 2018 मॉडल। कीमत अच्छी होनी चाहिए बस, चश्मा उतार देता हूँ क्योंकि ऐसे मैं देख नहीं पाऊंगा प्राइस, या सुन भी नहीं पाऊंगा, कान पे ठंडा लगाया था चश्मा। आपको ये तो नहीं पता ये कान पे लगी होती ठंडियाँ। तो प्राइस इसका हमने बहुत ही, अब सोच समझ के बोलूं तो सिर्फ आपको दे दूंगा 50,00,000। अरे मांग रही होगी, पागल हो गया, 50,00,000, 50,00,000 नहीं भाई, कितना मांगे हैं? 50,00,000 में तो यहाँ पे काम शुरू हो जाता है, लोग अपना काम डाल लेते हैं भाई 50,00,000। चलो 40 के फिगर से नीचे लाता हूँ, 39,90,000 की ले जाओ। ये एक ब्लैक कलर की कौन सी गाड़ी खड़ी है? 8L है क्या विजय भाई? यस, ये 8L है, हरियाणा नंबर है और बिल्कुल ब्रांड न्यू कंडीशन, आप देख सकते हो, टायर्स भी है, 2013 का मॉडल है, ऑटोमेटिक डीजल, सनरूफ के साथ, 8 का जो हमने प्राइस रखा है मात्र 12,90,000 में। चलिए ठीक है, अब भाई चलो खत्म हो गया, लग रहा है काफी खत्म हो गया, अभी तो चलना पड़ेगा बाहर। यार मतलब ठस कर रखा है मामला, मतलब आपके लिए, मतलब चारों तरफ सिर्फ सिर्फ गाड़ियां देख लो, क्रेटा भी है, फॉर्च्यूनर भी है, Type 1, देन Type 2 भी है, देन S-Class है, देन Audi की A6 है, डेफिनेटली ये होगी बहुत सस्ते प्राइस में, मैं अंदाजा लगाऊं 5,00,000, 4,00,000, उससे कम में बोल दो भाई साहब, अभी टोकर डाल देना है बीच में। यस, मॉडल बताइए। Audi A6 है, पेट्रोल है, ऑटोमेटिक, सनरूफ के साथ, 2008 का मॉडल है, प्राइस रखा है 4,45,000। 4,45,000 भी मुझे जायज नहीं लग रहा है, ऑल ओवर इंडिया की NOC प्राइस, 4,45,000 नहीं दे सकते आप, कितना देना है? 4,30,000, आ जाओ ले जाओ, 4,25,000, अब बोलो आ जाओ ले जाओ, 4,20,000 आ जाओ ले जाओ, 4,15,000 ले जाओ, 4,10,000 आपके लिए है, कसम से सच में। चलो फिर तो भाई ठीक है, इतना नेगोशिएशन मैंने कर दिया, अब मैंने बिल्कुल निचोड़ दिया, बिल्कुल निचोड़ दिया, अब आपको डील दे दिया फाइनल। चलो अब इसकी बात करते हैं, मर्सिडीज की S350 जो की है डीजल में, 2008 का मॉडल है, प्राइस रखा है 4,90,000। ठीक है, अभी हमने आपको 3 फॉर्च्यूनर जो अंदर दिखाई थी वो तो है, साथ में 2 और हैं, बाहर और खड़ी हैं। तो ये है ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन, 4x2 फॉर्च्यूनर, व्हाइट कलर, 14 मॉडल का जो प्राइस मांगा है डीजल का, कितना मांगे? फर्स्ट ओनर का जैसा जायज लगे, 13,90,000। ठीक है विजय भाई, ये मैं क्या देख रहा हूँ दुनिया में, टोयोटा ने फॉर्च्यूनर में सनरूफ देना शुरू कर दिया क्या? यस, सनरूफ वाली फॉर्च्यूनर हम देंगे। अरे भाई आओ देखो 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 देखो, ये रहा ये रहा ये रहा ये रहा ये रहा ये रहा सनरूफ मिल गया, फॉर्च्यूनर में सनरूफ और तो ये है भाई, पक्की बात है या नहीं? वो तो भाई है, क्योंकि वो न्यू शेप है। हाँ, ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन है, डीजल है, क्रेटा, 2016 का मॉडल है, नंबर दिल्ली का है, प्राइस जो इसका हमने रखा है सिर्फ 8,75,000 रुपए। 8 पे कलयुग आ गया भाई, हो चुका है, फिर लोग कहते हैं कि सस्ती गाड़ियां लेके आते हैं, तो सस्ती गाड़ियां मिल रही हैं, अच्छी गाड़ियां मिल रही हैं हाई स्ट्रीट कार पे। ये जो जगह है यहाँ पे आपको लाइव गाड़ियां दिखती हैं, मतलब चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ आपको गाड़ियां, मतलब लिटरली आप कंफ्यूज हो जाओगे कि क्या लूं क्या ना लूं। तो गाइज कुछ हमने प्राइसेस, मतलब वीडियो बहुत लंबी हो जानी थी इसलिए हमने वो खुद तो देख ली है लेकिन वीडियो में शामिल ही की, लेकिन ये है कि यकीन करें हमने देखा है बहुत ज़्यादा लग्जरी कार हैं ये और बहुत ज़्यादा सस्ती हैं, और यकीन करें इतने में तो कोई यहाँ पे वो क्या कहते हैं यूज्ड हो, यूज्ड कार की बात कर रहा हूँ, कोई मतलब 4-5 लाख की जो है वो कोई आपको वो दूसरी वो क्या होती है सुजुकी, क्या नाम है उसका, सुजुकी स्विफ्ट है, सुजुकी नहीं स्विफ्ट नहीं दूसरी वो मैरान है, एक मैरान है वो भी ना मिले इतने रुपयों में, यकीन करें यार एक और ऑडी मिल रही है, वही कह रहा हूँ लग्जरी कार इतनी सस्ती मिल रही है जो यहाँ पे तकरीबन यूज्ड भी हूँ तो 60-70 लाख से कम नहीं मिलेगी, कम नहीं जाएगी।
बिल्कुल, इससे तो कम आप सोच भी नहीं सकते। जिन ब्रांड को दिखा रहे हैं वो ब्रांड ब्रांड है, ब्रांड है, और उसके अलावा जितनी मतलब ये मतलब इतनी ज्यादा भी नहीं है पुरानी। डाउन मॉडल भी कर ले, 18 मॉडल कर ले, 19 मॉडल कर ले, वही ना 60-70 लाख से तो कम मिलेगी नहीं, जो उधर 10 लाख 12 लाख 5 लाख 6 लाख में मिल रही है यार, इतना डिफरेंस है। अगर यहाँ पे इतनी मिलती होती ना, यकीन करें 3-4 तो मेरे पास भी होनी थी, 3-4 इसके पास भी होनी थी, होनी थी। बिल्कुल यकीन करें, और यहाँ पे जो है ना वो वाला हिसाब ही नहीं है, यकीन करें आंखें खुल गई हैं। इतनी गाड़ियाँ, इतनी ज्यादा स्टॉक पड़ा हुआ है इनका, 100 लग्जरी कार्स हैं इनके पास, और लेकिन प्राइस के हिसाब से देखा जाए तो 40 लाख से ऊपर कोई भी नहीं। वो जो तकरीबन 21 मॉडल थी वो तकरीबन उन्होंने शुरू में जो दिखाई थी वो 40 लाख की थी, 40 लाख की थी। एक यूके वर्जन आई थी मर्सिडीज की मेरे, तो वो तकरीबन अपना 30-35 मतलब ये है कि 2-4 को छोड़ के बाकी सारी 20 लाख से कम थी। यकीन करें देख के मजा आ गया, शौक भी लगा है, इतनी सस्ती गाड़ियां मिलती है और हम पता नहीं किस दुनिया में रहते हैं, अलग गोला पे रह रहे हैं, बाकी है किसी अलग ही कोई दुनिया में रह रहे हैं। यकीन करें हमें तो पुतू बनाया हुआ है सबने, और ये गवर्नमेंट जो है ना हमें चुतिया बना रखी मिल के, वो क्या कहते हैं डायलॉग है, कोई डायलॉग है याद नहीं आ रहा सही से, गवर्नमेंट बिक गई है, ये मिल के सारे हमें चुतिया बना रहे हैं। वही ना वही सीन हुआ है, बाकी यकीन करें वो सीन मीम जो था ना वो एक माई वाला था वो सेम यहाँ पे फिट होता है अभी, और हमें तो बाकी चुतिया बना रखा है, और हमें तो यहाँ पे इतनी लग्जरी कार जो है वो देखने को भी नहीं मिलती, नई सी बात है। एक तो ली है किसी ने वो तकरीबन 1.5 करोड़ में फॉर्च्यूनर ली है, और लेकिन वो अगर यूज्ड हो थोड़ी सी वो मिल जाए तकरीबन 12-13 लाख रुपए में वो दे रहे हैं, तो यकीन करें 12-13 लाख में अगर हो तो इधर सबके पास हो, यहाँ पे तो तकरीबन 1.5 करोड़ की अगर बंदा ले सकता है तो 12-13 लाख की तो लेने में कोई 1.5 करोड़ आपके पास तो आई थिंक आप शोरूम गोल गाड़ियाँ आराम से शोरूम गोल नहीं इधर और टैक्सी का काम इधर रेंटे कार बहुत चलता है बंदा, लेकिन अगर इतनी सस्ती हो तो फिर रेंटे कार नहीं चलेगा, फिर आपके पास अपनी होगी, लेकिन शोरूम को ओपन हो सकता है। बाकी ये है कि ओवरऑल वीडियो अच्छी थी, यकीन करें देखे शौक लगा, अब क्या बोले अंदर से शौक ही है कि हम कहाँ पे रहते हैं, फट गई है बस। मेरे तो मेरी फेवरेट थी बीच में सब गाड़ियों में रेंज रोवर थी, और रेंज रोवर इवोक उन्होंने बताई है, और यकीन माने उसकी प्राइस सुन के ना पैरों तले जमीन निकल गई है, अजीब भी लगा है क्योंकि ये ब्रांडेड गाड़ियां थी, और मैं सोचा था जब भी कोई टॉप ब्रांड पे बात करेंगे तो प्राइस ऊपर होगी थोड़ी बहुत, ठीक है नॉर्मल से शुरू होगी और फिर ऊपर जाएगी, लेकिन यकीन माने वो ऊपर जाने के बजाय नीचे आती रही है, और वो अपनी मर्जी से जिन्होंने ब्लॉग क्रिएट किया है वो जबरदस्त काम कर रहे हैं, क्योंकि वो हाजिर दिमाग है, जैसे जहाज गुजरा है तो उन्होंने कहा है कि ऊपर से आ रहे हैं आप तो कस्टमर पहुंच गए हैं, तो मीन्स के ब्लॉग को इंटरेस्टिंग भी बनाया, और जिन भाई साहब का ये क्या शोरूम है उनको भी अच्छा था, उनको भी मैं कहूँगा कि हैट्स ऑफ टू यू, क्योंकि उन्होंने अच्छा बयान किया और अच्छे तरीके से इंटरेक्ट किया, वो बीच में कस्टमर आए उनके साथ भी इंटरेक्शन रही ब्लॉगर की, और ज़बरदस्त यार अच्छा ब्लॉग क्रिएट किया और इंफॉर्मेशनल ब्लॉग था, और एक किस्म की वो डीलिंग बार्गेनिंग भी कर रहे थे डायरेक्टली व्यूअर्स के साथ, तो ये चीज़ उनको भी अच्छी लगी होगी जिनका ये शोरूम है, क्योंकि इस तरह के लोग जो हैं वो एडवर्टाइज करते हैं तो बहुत अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है आपके काम पे। वीडियो ज़बरदस्त थी और शॉकिंग, अगेन शॉकिंग, और मुंह बंद हो गया बिल्कुल हमारा, हमारे पास कोई बोलने को कुछ भी नहीं है, तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, प्लीज़ नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक करना मत भूलिएगा, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, पीस।